नेक्स्ट आपके पास है बाउंडेड सीक्वेंस. अ सीक्वेंस एक्स एन इन अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स इज बाउंडेड. बाउंडेड सीक्वेंस इफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेट, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेट इज अ बाउंडेड सीक्वेंस. अगर सीक्वेंस ये जो ऊपर सीक्वेंस आपने लिया है, आपने कैसे डिफाइन किया इसको, वन प्लस वन ओवर एन. तो इसकी अगर आप टर्म्स का सेट बना लेते हैं तो पहली टर्म इसकी बनेगी वन प्लस वन टू बनी थी, और दूसरी इसकी टर्म बनेगी 1.5 आ जाएगी, और तीसरी आपके पास आएगी 1.3 आएगी, और चौथी इसकी रकम बनेगी 1.25, और इसी तरह नेक्स्ट आपके पास 1.2 आ जाएगी. इस तरह इनकी वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आती जाएगी जी. अब इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि अगर ये सेट बाउंडेड है, ये इसका रेंज सेट कहलाता है सीक्वेंस का, या फिर आप इसको क्या कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट सेट. अगर ये सेट बाउंडेड होगा तो उस वक्त वो सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा. अब आप इसके अंदर देख लें कि ये वैल्यूज आहिस्ता आहिस्ता वन की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है जब हम इंफिनिटी तक एन को ले जाएंगे तो हमें वन ही मिल जाएगा. तो इस सीक्वेंस का सबसे बड़ा नंबर कौन है, टू. मतलब ये कह सकते हैं कि एस एन जो सीक्वेंस की तमाम टर्म्स हैं वो ग्रेटर और इक्वल टू टू हैं और लेस देन वन है. तो इसीलिए ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड सीक्वेंस है. ये तो हो गया सेट की सूरत में उसका ये तरीकेकार बाउंडेडनेस का. लेकिन आगे हमने इसको डायामीटर की सूरत में लिखा हुआ है, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस के अंदर बाउंडेडनेस जो होती है वो डायामीटर से मालूम होती है, और डायमीटर का तरीका हम पिछले लेक्चर के अंदर सीख चुके हैं. ठीक है, तो अगर आप इस सीक्वेंस का डायमीटर फाइंड आउट करेंगे तो उस तरीके से भी डायमीटर होता क्या है कि डिस्टेंस आपने निकालना है उस सेट के पॉइंट्स में से. ठीक है, तो अगर आप इसमें से अब ये देख लें कि इसका डायमीटर आप कैसे निकालते हैं, तो वो पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं इसका डायमीटर फाइनाइट निकलेगा. मतलब इसमें से लार्जेस्ट एलिमेंट में से आपने स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है उसको माइनस करना होता है, या उसका सुप्रीमम, जैसे हम कह रहे थे कि सेट्स जो होते हैं उनका आपने सुप्रीमम फाइंड आउट करना है, तो वो आपके पास जो है वो डायमीटर आ जाएगा. जी, दूसरे लफ्जों में हम इसको यूं भी डिफाइन कर रहे हैं कि वी कैन से दैट सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर के एंड अ पॉइंट एक्स सच दैट. अगर आप उसकी एक्स टर्म का डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लेते हैं तो वो लेस देन एप्सिलॉन ही आना चाहिए. अब इधर क्योंकि ये डेफिनेशन कन्वर्जेंसी के लिए है तो यहां पर आप के लिख लेते हैं. बाउंडेडनेस के लिए रियल नंबर के एग्जिस्ट करना, उधर डेफिनेशन में भी के मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये मिस प्रिंटिंग की वजह से एप्सिलॉन लिखा गया. जैसे नीचे एक मिसाल दी हुई है एस एक्स एन, बल्कि यही सीक्वेंस लिया हुआ है जो ऊपर हमने डिस्कस किया है ना, तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी लिमिट जो है वन निकली है, और ये बाउंडेड है क्योंकि इसकी वैल्यूज जो है वो लेस देन टू है. ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस होता है. नेक्स्ट हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिजल्ट दिया हुआ है कि लेट एक्स बी अ मैट्रिक स्पेस. एक्स हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस है, देन अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन एक्स इज बाउंडेड एंड इट्स लिमिट इज यूनिक. अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने से आप दो चीजें, दो नताइज अखज कर सकते हैं. कन्वर्जेंसी ऑफ सीक्वेंस इंप्लाइज दैट कि वो सीक्वेंस बाउंडेड भी होता है, और अगर वो कन्वर्जेंट होगा तो लाजमी तौर पर बाउंडेड होगा, और दूसरी बात उसकी जो लिमिट होगी वो भी यूनिक होगी. कन्वर्जेंट होगा तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, और वो जो लिमिट आप निकालोगे वो लिमिट हमेशा यूनिक लिमिट बनेगी. तो कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस से ये दो नताइज हम अखज कर सकते हैं. लेकिन इसका उलट कभी भी दुरुस्त नहीं होता. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि एक बाउंडेड सीक्वेंस ले लें
तो वो कन्वर्जेंट हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसकी एक एग्जाम्पल है कि कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, इसका जो कन्वर्स है वो कभी भी दुरुस्त नहीं होता, सॉरी इन जनरल दुरुस्त नहीं होता, कभी कभी मे भी हो भी सकता है लेकिन इन जनरल ये ट्रू नहीं होता। मतलब ये है कि इसका कन्वर्स बनेगा क्या, इसका कन्वर्स ये बनेगा कि अ बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट, एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये सीक्वेंस हम ले लेते हैं एक्स एन इज इक्वल टू माइनस वन रेस टू पर एन, ये सीक्वेंस बाउंडेड है। ये बाउंडेड क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका रेंज सेट लेते हैं तो वो निकलता है माइनस वन और वन, ठीक है। तो अगर आप इसका डायमीटर देखें, इस सेट का डायमीटर, तो इस सेट के डायमीटर से मुराद इसके पॉइंट्स के दरमियान आप डिस्टेंस निकालें और उनमें से मैक्सिमम डिस्टेंस ले लें आप। तो अगर हम इनका मैक्सिमम डिस्टेंस लिखें तो वन में से माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करें तो वो टू बन जाता है। तो इसका डायमीटर टू है जो कि फाइनाइट है, इसलिए ये बाउंडेड सेट है, एक बात। दूसरी बात, इसका सुप्रीमम और इन्फिमम देख लें, इसका सुप्रीमम वन है और इन्फिमम माइनस वन है, तो इसलिए ये बाउंडेड है। मतलब इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट करता है, लोअर बाउंड भी, उस तरीके से भी आप इसकी बाउंडेडनेस चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरीकों से अगर हम चेक करें तो ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड ही सीक्वेंस बनता है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम इसकी लिमिट मालूम करेंगे तो कन्वर्जेंट लिमिट, जब आप इसकी लिमिट निकालते हैं तो अब ये लिमिट डिपेंड कर रही है इसकी पावर एन के ऊपर। अगर आप एन ले लेते हैं इवन नंबर तो इसकी लिमिट आपको वन मिल जाएगी। ये कब होगा, जब आप इवन लेंगे, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इवन नंबर्स। और इसका जवाब जो है वो माइनस वन भी निकल सकता है, लेकिन माइनस वन कब निकलेगा, जब आप इसकी जो एन है वो आप ऑड नंबर ले लेते हैं। इसका मतलब है कि लिमिट के तो दो डिफरेंट आंसर निकले, वन भी और माइनस वन भी। पिछले थ्योरम में हम कह चुके हैं कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो वो यूनिक होती है, इसमें तो यूनिक लिमिट नहीं है, इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है ये कन्वर्जेंट नहीं। तो ये हमारे पास एक ऐसी मिसाल है जो बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो इससे पता चला कि जनरली जो बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट नहीं भी हो सकते। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड थ्योरम है कि लेट एक्स बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, अगर कोई सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करता है एक्स को और वाई एन कन्वर्ज करता है वाई को एक्स के अंदर, तो उस सूरत में ये जो आप डिस्टेंस लेंगे इनकी एंथ टर्म्स के दरमियान डी एक्स एन वाई एन, तो ये कन्वर्ज करेगा एक्स वाई को, डी एक्स वाई को, यहाँ पे डिस्टेंस।